हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी बुक्स क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चनस में दिया गया है डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैनुफैक्चर फ्राम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव फाइव एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव फाइव है इसके थ्रू एक डबल कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म किया गया है डबल कॉन्वेक्स लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इस तरह का लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाता है द फेसेस विथ फो विथ बोथ द फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ द कर्वेचर इसका मतलब इनका जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर इस सर फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो R1 होगा और इस फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा लेकिन ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है दे आर इक्वल टू ईच अदर तो हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट द कर्व सर्फेस एरिया सॉरी लेट द कर्ड सर्फेस या लेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द बोथ फेसेज भी आर ओके वॉट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज़ टू बी मेजर्ड या इज टू बी टेकन एज ट्वेंटी सेंटीमीटर तो बच्चों यहाँ पर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर हमने सपोज कर लिया है जिसे हमें क्या करना फाइंड आउट करना है यहाँ पर फोकस लेंथ क्या दे रखा है ट्वेंटी सेंटीमीटर दे रखा है और जिस ग्लास का ये डबल कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 दे रखा है तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ए रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंसेज इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अफान आर वन माइनस वन आर टू एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है इस सरफ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या कर्वेचर का जो सेंटर होगा इस सरफेस का वो इस डायरेक्शन में होगा इसलिए आर वन को प्लस आर लिया जाएगा ओके आर वन को प्लस आर लिया जाएगा लेकिन इसका इस डायरेक्शन में होगा सेंटर इसलिए जो आर टू मेजर किया जाएगा ये माइनस आर लिया जाएगा तो यहाँ आर वन की वैल्यू प्लस आर है और आर टू की वैल्यू माइनस आ रहा है अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू में रखते हैं तो वन अपॉन ऑन एफ दैट इज़ वन अपॉन आन ट्वेंटी म्यू म्यू मींस यहाँ पर ये यह ग्लास जो हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसको एयर में रखा हुआ है ये एयर है ये ग्लास है तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा फार्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू तो एयर और ये चीज़ हमें यही दिया हुआ है ए म्यूजी दैट इज़ वन पॉइंट फाइव फाइव माइनस वन वन अपान आर वन आर वन की वैल्यू यहाँ प्लस आर लिखी जाएगी और आर टू की वैल्यू यहाँ पर माइनस आर लिखी जाएगी अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा वन अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव फाइव ये होगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये होगा पॉइंट फाइव फाइव इंटू टू बाई आर इन दोनों को सॉल्व करेंगे वन बाई ट्वेंटी तो यहाँ से जब आर की वैल्यू निकाली जाएगी तो आर की वैल्यू होगी वाट पॉइंट फाइव फाइव इंटू टू और ये ट्वेंटी भी कहाँ चला जाएगा इधर ही चला आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फोटी पॉइंट फाइव फाइव इंटू फोर्टी तो ये हो जाएगा ज़ीरो फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टू प्लेस पर डेसिमल सो आर इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू सेंटीमीटर